गुलबर्ग में गुरु मांगट रोड पर टायरों की दुकान में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि गुलबर्ग में गुरु मांगट रोड पर टायरों की दुकान में आग भड़क उठी, जबकि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इसकी तफसीलात के लिए मुदस्सिर नवाब से बात करते हैं। मुदस्सिर नवाब, बताइए इस बारे में। मुदस्सिर नवाब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको आगाह कर रहे हैं, एक वाकया पेश आया गुलबर्ग के इलाके गुरु मांगट में, और ये गुरु मांगट रोड पर टायरों की दुकान है जो बताई जा रही है, जिसमें अचानक आग भड़क उठी है, जहां पे फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर फौरी काबू पाते हुए इसको बुझा लिया जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं वहाँ पर, और इसकी तफसीलात के लिए मुदस्सिर नवाब से एक दफा फिर जानने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर नवाब, सुन पा रहे हैं तो बताइए इस वाकये के बारे में। या बिल्कुल नवीद, ये गुरु मांगट रोड पर जो है गुलबर्ग का इलाका है, जहां पर ये एक टायर शॉप है जिसके अंदर जो है अचानक से आग भड़क उठी है, और आग भड़कने के बाद जो है रेस्क्यू टीमों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसे फौरी तौर पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश अभी की जा रही है, जबकि अभी तक जो आग की शिद्दत है तेज होने की वजह से इस पर जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, जबकि दूसरी जानिब जो दुकान का सामान जो है मुकम्मल तौर पर जो है जलकर खाकसर हो चुका हुआ है, और इस हवाले से अभी तक ये नहीं पता चल सका ये आग किस वजह से लगी है, और रेस्क्यू काम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अब आग पर कंट्रोल करने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया ये आग किस वजह से लगी और किस वजह से इसकी दुकान के अंदर कितना सामान था, कितने रुपए का जो है इनका नुकसान हो चुका है, इस हवाले से अभी तक जो तखमीना इसका बाद में लगाया जाएगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर नवाब, तफसीलात से आगाह करने के लिए।